हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी स्टडी अबाउट मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल रीअरेंजमेंट। पार्ट ए दिया गया है -16 मल्टीपल -4 मल्टीपल 5 मल्टीपल -25। इसको रीअरेंजमेंट करना है, यानी इस तरीके से अरेंज करना है कि ये क्वेश्चन सिंपल हो जाए, फिर उसका मल्टीप्लाई आपको करना है। मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको पहले इसको अरेंज करना है जिससे ये क्वेश्चन सिंपल बन जाए, फिर जाके इसको मल्टीपल करना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मैंने -16 का मल्टीप्लाई 5 में किया, उसके बाद जो -4 लिखा हुआ था उसका मल्टीप्लाई पीछे जो -25 लिखा हुआ था उसमें किया, यानी इस 4 का मल्टीप्लाई -25 में। तो 16 का मैंने यहाँ पे 5 में किया और -4 का -25 में किया। 16 5 जा होता है 300 और 16 माइनस का है, इसलिए आंसर में भी माइनस आ जाएगा, तो 300 आ गया माइनस का। इसके बाद -4 मल्टीप्लाई -25, तो 25 4 जा होता है 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए आप 100 आ गया, 100 लेकिन प्लस का आया है। प्लस का इसलिए आया क्योंकि मल्टीपल में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन नहीं आता है। माइनस का साइन कब आएगा, जब प्लस में लिखाओ -4 -25। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 25 में 4 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 और साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। लेकिन मल्टीप्लाई में अगर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो साइन प्लस का ही आएगा, माइनस का इसमें नहीं आएगा। तो अब -300 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 300 का मल्टीप्लाई आप 100 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 के साथ 4 0 आ जाएंगे, यानी -30,000। तो इसको आपको सिंपल तरीके से अरेंज करके सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। क्वेश्चन टू दिया गया है वेरीफाई। इसको देखिए, इसमें एक पार्ट LHS दिया गया है, एक पार्ट RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और दोनों के आंसर सॉल्व करने पे कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, क्योंकि बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। तो देखिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। LHS में देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, LHS जो लिखा हुआ है 27 इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में 6 ± 4, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 6 ± 4। 6 में प्लस करना है माइनस का 4, तो इसमें प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ± 4, 6 ± 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से ब्रैकेट आ गया, तो 6 ± 4 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और बाहर क्या लिखा हुआ है, 27, यानी 27 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, तो कितना आएगा 54, यानी LHS का आंसर 54 आ जाएगा। अब आते हैं राइट हैंड साइड RHS। RHS में पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को, दोनों के आंसर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 27 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162। इसके बाद 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108, लेकिन 108 माइनस का आएगा क्योंकि 4 इसमें माइनस कर दिया गया है। इसके बाद देखिए 162 प्लस माइनस 108, 162 में प्लस करना है आपको माइनस का 108, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए 162 माइनस 108 यहाँ पे आ जाएगा। तो 162 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, तो आपका आएगा 54। तो RHS का आंसर क्या आया, 54। LHS का आंसर क्या आया, 54। इसका मीन्स LHS इक्वल टू RHS, तो यही आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें आपको स्टेटमेंट ट्रू करना है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या राइट किया जाए ब्लैंक में कि आंसर 36 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस के 3 में किसका मल्टीपल करेंगे तो 36 आएगा, तो 12 3 या होता है 36, लेकिन यहाँ पे 36 प्लस का चाहिए आपको, यानी जो प्लस का 36 चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया इसको, माइनस के 12 का अगर
माइनस के 3 में मल्टीपल किया जाए तो 12 3 या 36 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 36 आ जाएगा। यानी यहाँ पे फिर क्या करना है, माइनस का 12। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, ई वाला मैंने सॉल्व किया है, माइनस के 75 में किसका डिवाइड दिया जाए कि माइनस का 1 आ जाए। तो देखिए माइनस के 75 में अगर प्लस के 75 से इसके अपोजिट से डिवाइड दिया जाए तो देखिए 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और इसमें एक जो 75 नंबर है वो माइनस का है, तो इसलिए माइनस का 1 क्या आ जाएगा इसमें आंसर आ जाएगा, जो कि हमें माइनस का 1 ही इसमें चाहिए था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, वेरीफाई द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसमें एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई की होती है उसको आपको वेरीफाई करना है। इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी गई है। देख सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 4, तो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स मल्टीप्लाई सिंपल ब्रैकेट बाई मल्टीप्लाई जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई z, ये होती है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 का नाम इसको दे दिया। अब इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, x, y एंड z की वैल्यू पुट करना है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे आप 3 लिख देंगे, और जहाँ पे भी z लिखा होगा वहाँ पे आप z की वैल्यू माइनस 4 राइट करेंगे, LHS में भी RHS में। पहले देखिए LHS में, ये मैंने LHS का यहाँ सॉल्यूशन किया है, x की जगह माइनस 2, ब्रैकेट में y की जगह 3 एंड मल्टीप्लाई में लिखा जेड, तो जेड की जगह आ गया माइनस 4। एक्स बाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इसके बाद RHS में अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x इंटू y लिखा था तो आ गया माइनस 2 जो कि x की वैल्यू है, इंटू 3 जो कि y की वैल्यू है। इसके बाद बाहर लिखा था इंटू में जेड, तो जेड की वैल्यू माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस 4। अब देखिए इन दोनों को आप सॉल्यूशन करेंगे इनका, लेफ्ट हैंड साइड जो 3 मल्टीपल माइनस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि 4 माइनस का दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद माइनस 2 का मल्टीपल करेंगे माइनस के 12 में, तो 12 2 जा 24 और माइनस माइनस प्लस, इसलिए आंसर आएगा प्लस का 24। यहाँ देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे RHS में, तो माइनस 2 का मल्टीपल 3 में होगा तो माइनस 6 आएगा, 3 2 जा 6, और मल्टीपल में लिखा हुआ है माइनस का 4, तो यहाँ पे देखिए माइनस 6 का मल्टीपल अब माइनस 4 में, 6 4 जा 24 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ गया आंसर प्लस का 24। तो LHS का आंसर 24, RHS का आंसर 24, यानी LHS इक्वल टू RHS, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है, एवाल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है, माइनस 876 मल्टीपल 9 प्लस ब्रैकेट में माइनस 876। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ था 876 का पहले मल्टीप्लाई किया 9 में, क्वेश्चन दिया गया था, फिर उसमें प्लस किया माइनस 876। मैंने यहाँ पे इनटू में 1 भी लिख दिया, क्योंकि 1 लिखने से आपकी जो वैल्यू दी गई है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई माइनस 876 में होगा तो माइनस 876 ही आएगा। अब लिखा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, x इंटू ब्रैकेट में y इंटू z इक्वल टू x इंटू y प्लस x इंटू z, यानी x का y में और x का z में मल्टीपल। तो LHS RHS इसमें भी टू पार्ट में प्रॉपर्टी आपकी दी गई है। तो देखिए x की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 876, तो ये भी x ही रहेगा। y की वैल्यू आ जाएगी 9 और z की वैल्यू मैं इसमें क्या मान लूँगा, 1। तो देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 876 माइनस का, जहाँ y होगा वहाँ पे 9 आ जाएगा, और जहाँ पे z लिखा होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पहले देखिए आप
आरएचएस में, तो आरएचएस में देखिए पहले पहले क्या लिखा है, ये आरएचएस एक्स की जगह आ गया माइनस का 876, मल्टीपल में बाई था तो आ गया 9, फिर प्लस लगा हुआ तो प्लस आ गया, फिर एक्स लिखा हुआ तो फिर से 876, मल्टीपल में जेड जो कि 1 है, तो ये आ गया आपका आरएचएस। अब यही वैल्यू पुट करेंगे आप LHS में, तो देखिए LHS में वैल्यू x की जगह आ गया माइनस 876, y की जगह 9 और z की जगह 1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है x बाई z की। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 1 होता है 10, तो यहाँ 10 आ गया, 10 का मल्टीपल बाहर 876 में हुआ तो इसके आगे एक 0 आ जाएगा, यानी माइनस 8760 LHS का आंसर आ गया। RHS का देखिए आप, 9 का मल्टीपल यहाँ पे किया 876 में तो आया 7884 जो कि माइनस का आएगा। इसके बाद 876 का मल्टीपल किया 1 में तो ये आ गया माइनस का 876। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7884 माइनस का माइनस 876, यानी ये माइनस माइनस होंगे प्लस, यानी 7884 में प्लस होगा 876, तो प्लस करने पे आता है माइनस 8760। दोनों आंसर आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई है। तो इस तरीके से आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन फर्स्ट के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 जो रह गया उसको पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स।